दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंच चुके हैं कमहरिया घाट में, और कमहरिया घाट में बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा विकास हो रहा है। यहाँ पे एक तो जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उसका ब्रिज बनाने का काम चल रहा है। उससे पहले भी एक ब्रिज बनने का काम चल रहा, लगभग वो पूरा होने वाला है। और एक तीसरा पुल जो पांटून का पुल बनता है वो भी बन के तैयार है। तो अब हम लोग सीधे पांटून के पुल पर चलेंगे, और अगर हम लोगों को बोट की सुविधा मिल गई तो जो पुल बन रहे हैं उस पुल का वीडियो हम सीधे बोट से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम लोग कितना सफल हो पाते हैं, कितना सक्सेस हो पाते हैं। यहां से चलते हैं और सीधे पांटून पुल पर मिलते हैं सीधे आपसे। तो इस वाले घर में गए थे और बोट की व्यवस्था नहीं हो पाई क्योंकि चलाने वाले हैं नहीं घर पे। देखते हैं और कोई व्यवस्था हो जाए, एक बार कोई घुमाने को तैयार हो जाए तो कुछ व्यवस्था देखते हैं। तो चप्पू की व्यवस्था हो गई और बोट की भी व्यवस्था हो गई है, और ये सारे घर हैं, यहाँ से मिल गया हमें व्यवस्था इंतज़ाम, और अब हम सीधे चलेंगे बोट पर। तो हम लोग बोट पर अब चढ़ने को तैयार हैं। ओ यहाँ आग वो जली, लाश वोश जलाई रही का? नहीं भाई। अच्छा, ऐसे लोग तापने वाले। अच्छा, ये लकड़ी उकड़ी सब वही वाली तो लग रही जिसपे लाश वोश जलाई जाती है? हाँ वही वही भाई, लकड़ी वही है। ये कपड़ा वपड़ा भी वही वाले फेंके हैं सब? ये मछली वाली है कपड़ा। अच्छा, आराम से भाई बैठ जाए। बैठ जाए, चल चल चल, पैरों नीचे करके नहीं बैठ सकते क्या? जैसे मन करे भाई तैसे। अच्छा, अरे भाई टेढ़ी भी हो रही है, डरना मत भाई, हम तो तैरने आता है ना, आम लोग का तैरने। अरे इनको नहीं आता है, जो हमारे पलटी ना आई भाई। इस पे बालू देखो जाता। अच्छा, बालू लोड होती है। हाँ, जय हो गंगा मैया की। हमारे साथ हैं हमारे भाई, क्या नाम है आपका? परवेज। परवेज, परवेज भाई हैं, और परवेज भाई हमें घुमा रहे हैं, और हम लोग आज बोटिंग कर रहे हैं। गंगा नदी का ही बिल्कुल स्वरूप है, और ये हम लोग सरयू में बोटिंग कर रहे हैं। क्या मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी बड़ा स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है। ये लोग देखिए कितने एक्सपर्ट है भाई है। अभी एक और बोट पर हम बैठे थे लेकिन वो भाई ने थोड़ा ही घुमाया, मतलब मजा कम आया। अब हमने को बैठा लो मजा आया, अब धारा पड़े है तो रे तो इससे मछली और रे तो ने चले। हां हां ले चलो, कोनो मछली बराती। हां बाबा, तो ये लोग मछली पकड़ते हैं और रेता भी निकाल के लाते हैं ना बीच में से ना। ये स्कूल है क्या बना है? धर्मशाला। अच्छा, ये धर्मशाला बना है पीछे, देखिए कमरिया कहीं सब नहा रहा। हाँ, पिछली बार जब बाढ़ आई थी इसमें पानी बह रहा था, अंदर पानी घुस गया था। एक बार हम बाढ़ में आए थे इसमें पानी घुसा हुआ था इसमें। अबे नहीं आ गए ना, आओ अभी साइड साइड में चल रहे हैं। तो बाबू तुम्हारा क्या नाम है? हाँ समीम। समीम, अच्छा पढ़ते उड़ते हो? नहीं। पढ़ते ही नहीं हो, पढ़े उड़े हो कि नहीं? छोड़ दिए। तू पढ़ा कि नहीं हो? नहीं भैया, छोड़ देने हुनर है। कौन हुनर सीखत है अब? मोटर मैकेनिक। कौन ही जगह? अच्छा मदैनिया में। इनके जानत है ना, पहचानत है इनका? देखले ना हो गढ़वल में? गढ़वल बैंक। और हमारे साथ सुदीप है। सुदीप भाई कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? है देखो, ये हम जैसे यूट्यूबर की ज़िंदगी यही है, और लोग जो है पछताते रहते हैं कि यार तुम लोग घूमते रहते हो, और ये मज़ा और ये मौका कहाँ मिलेगा आपको ने? तो ये कुछ नज़ारा है। हमारे पीछे पीपे वाला पुल बना हुआ है, और जिस साइड को हम लोग जा रहे हैं इधर पुल बन रहा है, अभी पुल पे काम चल रहा है देखिए, लेकिन बहुत स्लो है, ये लोग बहुत स्लो है। पता नहीं एक एक उठा के रख रहे हैं कितने कितने दिनों में। और वहाँ देखो बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है बनाने के लिए। 9 साल हो गए।
इसको 9-10 साल हो गया बनते हुए, अभी 2 महीना में उतना बन के तैयार हो गया है। एक साल हो गया पिछले साल से बन रहा है, एक साल हो गया। तीन लोग मशीन चला रहे। अच्छा अच्छा, क्रेन भी चला लेते हो हैं भाई, बड़ा एकदम अच्छा। अभी ठेल रहे हो, धक्का दे रहे हो किनारे से ना। ये क्या चीज है? ये पुल वाला लकड़ी, ये लकड़ी नहीं, डूब रहा है जो लकड़ी है। अच्छा लकड़ी है, ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है कि कोई जीव है। तो सरयू नदी की, घाघरा नदी की इतनी मान्यता है, कहते हैं कि इसमें नहाने से पाप धुल जाता है। अब धुलता है नहीं धुलता है, बस लोगों की एक मान्यता है। नाइक काटे में लगे, किसमें? नाइक काटे लगे। अच्छा टोना टकटम काम दे लगे है पूरा मैन अगला मेल अगला पूरा ओकरे नीचे ऐसे मुड़ी लगी नीचे लगल। अच्छा तो हमें एक जीव भी दिख गया यहाँ पे बड़ा, इसको क्या बोलते हैं? ये लोग मछली पकड़ रहे हैं, हजारा गिरोह में, हजारा मतलब जाल वाला मतलब जाए अगले जाए बड़ी रिकॉर्ड टूट है। अच्छा बहुत तेज पानी आ रहा है। अच्छा अब चप्पू चला, अरे भाई पानी घूम रहा है बहुत तेजी से है। अब पानी ठेल रहा है इधर है। अरे पाला तो कुछ पलिया किराए दे रहा है। अच्छा पैसा लेके पिपो खुला करिए ले निकाल ले लेती हूं। हां तो इधर यार खड़ी आई थी, यहां गोल गोल घूम रहे हैं, गहराई होगी डूबने भर को ना। हां भाई सारा पानी इधर ही आ रहा है। हां जाए ला देता है, जाए ला देता है। धर हो जा बेटा, दिखा भाई मछली देखो, मछली मछली देखो आई है। चल चल अरे भाई देख रहे पानी कैसे घूम रहा है यहाँ पे, पानी मतलब बोट बह जा रही हमारी। अरे धर रहे मतलब। अच्छा अच्छा वो अरे कहाँ गए थे हम लोग, ठेल के कहाँ पहुँचा दिया ना? वो लोग तो ऐसे घूम रहे हैं, वो लोग रस्सी पकड़ ले। अच्छा जिसके यहाँ चप्पू लाया उन्हीं की बोट है। ये स्वामी अब तो ये बल्ली निकली रे। बल्ली निकली मतलब लकड़िया, इधर सरिया बच जाते हैं। थे ले मतदा उस मतदा थे ले तीन का बढ़ते ना ये रही। यहाँ तो बहाव भी कम है ना। अरे हम लोग कहाँ थे वहाँ से यहाँ आ गए हैं। सही में चार तो ठीक हो रहे थे, जैसे बढ़िया मन नहीं टोंगी यहाँ पे। कैसे कैसे बढ़िया, ऐसे बढ़िया मैंने पूरा 40 लगा ला चल गई ना बिक के। एक ये कितने की डोंगी है? अब एक दाम ना बता पाई। अच्छा 25-30 हजार के दाम ना। अच्छा नई डोंगी अगर कोई बनवाए तो कितना पैसा लगेगा? 20,000 20,000 रुपए लग जाएगा।
लकड़ी किस चीज की रहती है? कटहल। कटहल की लकड़ी रहती है और बाहर बाहर चादर रहती है पूरी जैसे बनवाई है। अच्छा, लकड़ी कटहल की रहती है। अरे हवा जो आ रही है ना, इस पानी से टकरा करके जो हवा आ रही है, गजब की आ रही, लाजवाब आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है। एक्चुअल में आप लोग बिजनेस थोड़ा करना नहीं जानते हो ना, ऐसे ही बोट बढ़िया सजा करके ना, कश्मीर देखो कभी, ये देखे कश्मीर में क्या करते हैं, जैसे इधर चप्पू चलाने का उधर चप्पू चलाने का रहता है न। और अरे सूखे पे आ गए क्या हम लोग? रुक दे, रुक दे। तो पहले उधर ले चलो, पुला तक ले। एक्चुअल में हम जाना चाह रहे थे वो जो लगा हुआ मशीन ने, उस मशीन का थोड़ा सा शूट करना चाह रहे थे, जो टेक्नोलॉजी है उस पार है क्या? नहीं है, ये मशीनियाँ उस पार है वो। अच्छा, उसी पार चलोगे? जाएगी है, ले चलो, ले चल, ले चलो, और क्या का दिक्कत है, बैठ। आज घूमने के ही पर्पस से निकले हैं भाई। बैठ बे, तो मैं जो कह रहा था भाई, क्या नाम बताए थे? परवेज। परवेज भाई ऐसा करते हैं ना कि इस जगह को दो डंडा लगा देते हैं दोनों ओर से, और ऊपर से जो है पाल डाल देते हैं, मतलब पल्ली डाल देते हैं, और अंदर बैठने का बढ़िया कालीन वालीन खूब बढ़िया बैठने का बना देते हैं, चाहे पैर अंदर करके बैठो चाहे जूता निकाल के बैठो, खूब बढ़िया बना देते हैं, और वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो अभी हम लोग इस पार आ गए, सूखा है, सूखा है, उतरना पड़ेगा हमको भी। तो अभी बोट जो है थोड़ा थोड़ा फंस रही है, क्योंकि यहाँ पे ऊंची जगह है, ये लोग ऐसे ही खींच के ले जा रहे हैं। और आते समय हम लोग गहराई से उधर से होके चलेंगे ना। ये वाला जो पुल है ये पिछले 10 सालों से बन रहा है, और पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत स्लो है इसका काम, आगे का जो 2-3 पिलर है वही नहीं हो पा रहा, तो बहुत प्रयास किया जा रहा है, लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन डोंगी जो है आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का फ्लो है बहुत ज़्यादा है, और हम लोग इस ब्रिज के नीचे ही है, इस वाले ब्रिज के। ये अलग टेक्निक अभी अपनाए हैं, रस्सी लेके उस पार जा चुके हैं। इसमें फंस रहा है क्या? उतार दो, फिर चढ़ा लो। हाँ वहाँ उतार दो, वहाँ वहाँ चढ़ा लेना, वहाँ देख। चलो भाई उतर गए हम लोग, इस पार आ गए। निकाल दिए है, खींचो खींचो, ज्यादा किनारे मत चलो। अगला मुड़ाई का, अगला मुड़ा, अगला मुड़ाई में थोड़ा अगला ब्रसरी खोल के मार। हाँ इसको पकड़ा दो पहले, ये रस्सी पकड़ाओ नहीं भाग जाएगी बोट। हाँ ये पकड़ा दो पहले, ठीक है, वो खोल किसी में बांध दो ना, इस पे अगला भारिया खाली है। हाँ चल। अच्छा वहाँ चिपक गई थी रेत में, अगले ब्राव। तो बड़ी मेहनत के बावजूद जो है हम लोग पहुँचे हैं, एक पुल क्रॉस करके जो एक्सप्रेसवे वाला जो पुल बन रहा है, इन दोनों ब्रिज के बीच में हम लोग पहुँचे, और जगह जगह पे इन्होंने लाश वगैरह जलाई है, तो बहुत सारी गंदगी वगैरह भी दिख रही है, कपड़े सपड़े सब। तो
तमाम तरह की चीज़ें फेंकी हुई है। और अब जो पुल बनाने की टेक्निक है बिल्कुल ही अलग हो गई है। जैसा भी जैसा हम लोग तमाम तरह की वीडियो में देखते थे कि पुल जो है उससे बनता है, जो बड़े बड़े पिलर ला करके सीधे वो रख देते हैं, बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी पे ये लोग पुल बना रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं पुल बनाने की। एक्सप्रेसवे का पुल बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता है, ये कई करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी को मैं देखना चाह रहा था, इसीलिए स्पेशली मैं इधर आया हूँ। कुआं कुछ है, कुआं जैसा पूरा पिलर का बेस है ये। हाँ, अब तो मसाला खा लिए हो, अब तो ताकत आ गई है। क्यों अभी ना खाए? अभी नहीं खाए हो? तो गजब ही मजा आ रहा है यहाँ पे। इतनी लंबी बोटिंग कभी हमने की नहीं थी, आज पहली बार है कि इतनी लंबी बोटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है और यहाँ से दो जगह धाराएं बट रही हैं आगे से। हम लोग टापू पे आ गए हैं ना, फिर से हम लोग एक टापू पे पहुँचे हैं और परवेज भाई बोट खींचते हुए देखना, उधर गहरा है, ज़्यादा उधर ना ले जाओ। अरे बाप। साइड में जो रहता था रेता, ये रेता जो है चढ़ा था और गिर के नीचे गिर गया। तो गजब का आनंद आ रहा है, हम लोग आज पहली बार मतलब नदी के किनारे ही ननिहाल है और इनका तो घर ही है सुदीप का, लेकिन इस तरह से कभी बोट लेकर के घूमना नहीं हुआ हम लोगों का, आज पहली बार। अभी बहाव आ गया है, कैमरा दीजिए मुझे, मैं दिखाता हूँ कितना तेज पानी बह रहा है। अभी देखिए पानी का बहाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और पानी कैसे घूम रहा है, देख रहे हैं भाई साहब कैसे घूम रहा है। यहाँ तो तैरना वरना काम नहीं आएगा है। तो ये पीपे का पुल है, पीपे के पुल पे आज हम लोग चल रहे हैं। बहुत पहले हम लोग इस पीपे के पुल पे चले थे, आज देखिए पहली बार चलने का मौका मिला काफ़ी समय बाद। ये देखो कैसे हिल रहा है ना, ऊपर नीचे हो रहा है। दोस्तों कमरिया घाट का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और हमें तो भाई बहुत मज़ा आया बोटिंग करके, हमने वो सारी जगह पहली बार यहाँ पे कमरिया घाट में बोटिंग की है और इन्होंने भी पहली बार ही की है, इनका घर भी तो बगल में ही है, तो काफ़ी मज़ा आया। और आपको कैसा लगा अपना सुझाव राय ज़रूर दें, और अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे हमारा भी वीडियो यूट्यूब पर प्रमोट हो जाए। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।